नेता मुख्यमंत्री हमारे पेमा कर्ण साहब जी से हम अनुरोध करता है, नंबर वन का सबसे बड़ा हम लोग को इम्पोर्टेंट है कि हम लोग का एक्सटेंडल मेडिकल का जो भी लोन होने से हमें कुछ फायदा नहीं मिलता है, इसलिए हमें इस बोर्ड को सरकार से मुख्यमंत्री साहब से हम अनुरोध करता है आप जल्द से जल्द हम लोग को इस बोर्ड को क्रिएशन कर दीजिए। उसी से जी रहा है, उसी को लोगों को पैसेंजर को रेस्पेक्ट नहीं करेगा, गाड़ी का स्टीयरिंग को रेस्पेक्ट नहीं करेगा, गाड़ी को अच्छा से नहीं चलाएगा, तो आप जिंदगी नहीं बदल सकता। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप जितना जो टैक्सी वाला है, ऑटो वाला है, कि आपका सोच विचार को बदलो। और जो लोग ईटानगर में गाड़ी किसी का गाड़ी को मार देगा या किसी का गाड़ी को मार दे, उसको नया गाड़ी डिमांड करना, फाइन लेना, ये मजा नहीं, इसलिए इसको हमको बंद करना चाहिए। और इनके पीछे इन्यू तवा फर्स्ट लेडी टेम्पो ड्राइवर, बेस्ट ड्राइवर है ये, आज जो नए यहाँ बीएमएस में एसोसिएट हुए, आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट देता हूँ। आज हम लोग का बीच में 10 साल में हम लोग काफी ईटानगर को अच्छा बुराई को देखने को मिला, तो इसी में जैसे कि कोई आदमी बोलता है कि हम तरकारी का दायबुर है, हम ऑटो दायबुर है, कोई मैं रिक्शा चलाता हूँ, कोई तेला चलाता हूँ, काम में कोई भी काम जो है छोटा बड़ा काम तो काम होता है। मालिक को भी क्लियर कट बोल देना चाहिए कि सर आज ट्रैफिक में काफ़ी जाम था और आजकल इतना आमदनी नहीं होता है, दिन में हम 3 टिपे भुक सकता है, 4 टिपे मार सकता है, सर अगर आप मानेगा आपका गाड़ी में चला दूंगा, अगर आप बोलेगा नहीं हमको पैसा चाहिए किसी भी हालत कहाँ से भी ले आओ, आप इतना पैसा चाहिए, और वो पैसा को देने का चक्कर में किसी का माँ को फेंक देगा, किसी का भाई को फेंक देगा, किसी का बेटी कूद भी मर गया तो मर गया, अगर हाथ पाँव टूट के बैठ गया तो जिंदगी भर बर्बाद हो गया। कम से कम यह सब चीज़ को ध्यान देने से ठीक है, और आप ड्यूटी करते समय में नहीं पीने से ठीक है। टीम अरुणाचल का नारा मैंने इसलिए लगाया क्योंकि आप सबको पता है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, केवल बड़ा राज्य ही नहीं बल्कि यहाँ के जो हमारा जितने भी ट्राइब्स हैं सबसे ज़्यादा ट्राइब्स नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में बसे हुए हैं। अब आने वाला दिनों में 3-4 महीना बाद हम लोग फिर इलेक्शन मोड में जाना है, और मैं आप लोगों को वादा करता हूँ, हमारा अध्यक्ष पार्टी के अध्यक्ष भी यहाँ उपस्थित है, मैं इनको भी मैंने निवेदन किया है कि 2019 का जो टीम अरुणाचल का सरकार गठन करेंगे उसमें आपका बड़ा बहुत बड़ा रोल होने वाला है, और खास करके हमारा भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो पर्सनली मैंने रिक्वेस्ट किया हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, हमारा पार्टी इंचार्ज राम माधव जी हो गया, राजीव जमन जी हो गया, कबीरगांव जी हो गया, खास करके जो टिकट जो देना है अपना पार्टी की ओर से सही साफ नीयत, जिसका नीयत साफ हो उसी को ही आप लोग टिकट दीजिए, क्योंकि अभी जमाना बदल गया है, तो आजकल डायनेमिक्स पॉलिटिक्स का डायनेमिक्स पूरा मोदी साहब ने चेंज करके रखा हुआ है, ये पूरे देश के हित में, अपना राज्य के हित में, तो आने वाला दिनों में उनका सपोर्ट के कारण से हमारा ये पूरे राज्य और पूरे हमारा नॉर्थ ईस्ट बहुत आगे निकल जाएगा। तो आने वाला दिनों में अगर आप चाहते हैं कि मोदी साहब और आपका राज्य आगे जाए तो इलेक्शन में भी आप लोगों का साथ देना है। मैं मानता हूँ कि आज एक पॉलिटिकल फोरम नहीं है, लेकिन मोदी जी क्योंकि यहाँ के एक राज्य का एक मुख्यमंत्री भी हूँ, राज्य का एक लड़का भी हो, तो मैं आप सबको यही विनती करना चाहूँगा, इस राज्य को अगर सुधारना है तो हम लोग का पॉलिटिकल विल पावर हम लोग का एक्सर्ट करना है, पॉलिटिकल विल पावर हम लोग को दिखाना है। मैं मुख्यमंत्री के कुर्सी में बैठा हूँ, मैं तो यहाँ से अपना टाइम पास करने के लिए नहीं आया हूँ,
अगर चलाऊंगा स्टेट को चलाऊंगा तो सीमा तान के चलाऊंगा, लोगों का विकास के लिए मैं काम करूंगा। खास करके अरुणाचल प्रदेश में जो पॉलिटिकल अपीजमेंट जो करते आया है, मैंने उसको 2 साल पहले ही गुड बाय कर दिया।